हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट एंड पावरफुल कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन अंडर 30,000। गाइस, पहले के टाइम पे आपको 50 से 60,000 में कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम पे आपको 30,000 में ही देखने को मिल जाता है। कर्व डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि वो देखने में काफ़ी प्रीमियम लेवल का लगता है और कोई भी देखेगा तो बोलेगा महंगा फोन है। गाइस, सभी स्मार्टफोन जो है वो कर्व डिस्प्ले तो होंगे, इसके साथ ही आपको बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ये चारों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं, एंड सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग चेकआउट भी कर लेना। अब मैं बताता हूं कि आपको हमारे वीडियोस के अंदर हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस, सभी स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही, 8GB का बड़ा रैम देखने को मिल जाएगा, 256GB का बड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 200 मेगापिक्सल का मेन बैक कैमरा होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा जिससे कि आप 4K का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 5000 mAh का बड़ा बैटरी होगा, उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 180 वाट का सुपर डार्ट चार्जर भी होगा गाइस, जिससे कि आपका जो 12 से 15 मिनट में स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छी गेमिंग के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का 5G चिपसेट होगा जिससे कि आप अच्छे लेवल के गेमिंग कर सकते हो, 13 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस होगा जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा, 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 128 के रिफ्रेश रेट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है वो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपका जो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ले पाओगे। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। गाइस, अगर आपका जो बजट है वो 25,000 है, एंड 25,000 के अंदर अगर आपको एक कर्व डिस्प्ले वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, इसमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो, बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है। गाइस, इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, एंड ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है, उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है, बट गाइस ये जो स्मार्टफोन 67 वाट का चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का 5G चिपसेट, जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और जो इसका अंतुतु स्कोर 5,20,000 के करीब में है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। ओवरऑल इसका जो प्रोसेसर है वो अच्छा है, और प्राइस के अकॉर्डिंग आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। मीडियम टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। 6.7 इंच का फुल HD+ कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 मेगापिक्सल + 8 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस, ओवरऑल जो इसका कैमरा है वो ओके टाइप का है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है और ना ही ज़्यादा लो लेवल का है, और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक कैमरा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 24,999 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, देन ये स्मार्टफोन आपको 24,000 के करीब में देखने को मिलता है। और अगर आपका जो बजट है वो 30,000 भी नहीं है, एंड आपको 24 से 25,000 के अंदर एक अच्छा ऑलराउंडर कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक करता है वो ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 80 5G।
अगर आपको एक तगड़ा कैमरे वाला एक अच्छा कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस ये भी स्मार्टफोन आपको बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 26 से 27 हज़ार में देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है, डुअल स्टोरेज स्पीकर है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। गाइस इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4800 mAh का बड़ा बैटरी दिया एंड इसको चार्ज करने के लिए 67 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10 bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा, कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 32 MP का सेल्फी कैमरा। ओवरऑल कैमरा भी इसका अच्छा परफॉर्म करता है, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 4 लाख के करीब में है, इससे आप 40fps तक गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इसका बेकार है। ये जो चिपसेट है वो 18 से 20 हज़ार वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है एंड अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो देन आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज गेमिंग छोड़ के इसमें बाकी फीचर्स सभी एकदम अच्छे लेवल के हैं। ये जो स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस 29,999 रुपये यानी कि 30,000 रुपये, 2,500 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पास HDFC, ICICI या फिर SBI बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो तो। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट आपको 27,500 में देखने को मिलेगा। और गाइस सभी के पास तो SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो होता ही है। अगर आपको 27 से 28 हज़ार के अंदर एक तगड़ा ऑलराउंडर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस इसमें एक कमी है जो कि इसका परफॉर्मेंस। अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हो तब आप इस स्मार्टफोन को आराम से ले लेना और अगर आपका जो पर्पज है वो गेमिंग भी है देन आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G। ये स्मार्टफोन आपको बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 30,000 में देखने को मिल जाएगा और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त फीचर देखने को मिलने वाला है, मतलब कि कर्व डिस्प्ले तो होगा ही, उसके साथ ही बाकी फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते, ना ही 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे एंड 2 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके बैटरी एंड चार्जर के बारे में। तो इसमें लगा 4500 mAh का बड़ा बैटरी एंड इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 180W का सुपर डार्ट चार्जर भी है। गाइस फुल चार्ज होने में 15 से 20 मिनट लगाता है एंड एक दिन का बैटरी बैकअप इससे आपको आराम से मिल जाएगा। 6.8 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसका डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही कर्व है तो कंटेंट वाचिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 200 MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 13 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 32 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा परफॉर्म करता है बट अभी इसके कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अब गाइस 200 MP का कैमरा तो इससे आप मत समझना कि एकदम नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस करेगा बट अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 4,80,000 के करीब में है, इससे आप 60fps तक गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल नॉर्मल यूज में काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ये जो स्मार्टफोन है इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेम प्ले कर पाओगे बट गाइस इस प्राइस सेगमेंट पे आपको और अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा।
गाइस इस प्राइस सेगमेंट में आपको और अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, बट कर्व डिस्प्ले की वजह से इनका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा डाउनग्रेड का देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रैम एंड स्टोरेज के बारे में एंड इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 32,999 रुपये, यानी कि 33,000 रुपये। गाइस 256 GB का स्टोरेज है, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो 33,000 के करीब में है, वरना इसका जो प्राइस है वो 30 से 31,000 होता। 1,000 से 2,000 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन इफेक्टिवली इसके 8256 वाला जो वेरियंट है वो 31 से 32,000 में देखने को मिलेगा, और अगर कोई सेल होता है तब ये स्मार्टफोन आपको 30,000 में बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले, 180 वाट का सुपर डार्ट चार्जर, 200 मेगापिक्सल का मेन बैक कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 12 5G रैम का सपोर्ट, 8 GB का बड़ा रैम, 256 GB का बड़ा स्टोरेज, मतलब कि ये सभी चीज़ चाहिए आपको, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। हमसे आज तक टोल नहीं लिया, दिन में हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है, कभी टोल नहीं मांगता। तुमसे टोल नहीं लेता? कभी भी टोल नहीं लगता तुम्हारा? कभी नहीं लिया हमसे। क्या लेता क्या? नहीं, 15-20 बार निकलते रहते हैं। अच्छा भजा यार, तुम क्या क्या धौंस देते हो, क्या नहीं लेता टोल? धौंस नहीं हो गया, नहीं लेता, बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से। अरे गजब यार, जलवे वाले आदमी भाई, साइकिल ले रहते हैं ना तो किनारे से निकाल देता है। अबे साले कभी तो गेम बचाना पड़े। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो वीवो की तरफ से वीवो V27 5G। ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है, और ये जो स्मार्टफोन है कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। इसका जो बैक है वो कलर चेंजिंग बैक है, मतलब कि देखने में आपको काफ़ी प्रीमियम लेवल का फील देगा। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ग्लास बैक देखने को मिलता है, कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलता है, सिंगल मोनिटर स्पीकर है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते, ना ही 3.5 mm का हेडफोन जैक लगा सकते हो। अच्छी बात यह है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस्ट्रियल लॉक देखने को मिलता है, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4600 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 66 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.78 इंच का फुल HD+ 10 bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा, एंड स्काउट सेंसर का ग्लास प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले में आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है, कर्व डिस्प्ले एंड उसके साथ ही कलर, साइज, ब्राइटनेस, परफॉर्मेंस सब कुछ आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल जिसमें क्या लगा OIS का सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसके दोनों कैमरे काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं, कैमरा यूजर्स के लिए ये जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली सही है। इसमें लगा है मीडियाटेक डेमेस्टी 7200 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतत स्कोर 6,10,000 के करीब में है। गाइस इससे आप 60fps तक गेमिंग कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपको जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 32,999 रुपये, यानी कि 33,000 रुपये। 2,500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पास HDFC, कोटक या फिर ICICI बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से जुगाड़ कर लो। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट आपको 30,500 में देखने को मिलेगा, और आपको 30 से 31,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें कि आपको कर्व डिस्प्ले मिले एंड बाकी फीचर्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 4 बेस्ट एंड पावरफुल कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन अंडर 30,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल पे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना,
प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।